दोस्तों, अगर आप अपने नोट्स को फाइल्स ऐप में सेव करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप अपने किसी भी नोट्स को और आपको तरीका नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी ठेकी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम किसी भी नोट्स को हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे अपने फाइल्स ऐप में। तो दोस्तों, किसी भी नोट्स को फाइल्स ऐप में मूव करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप नोट्स में जाते हैं और नोट्स में जाने के बाद अगर शेयर पे टैप करेंगे तो शेयर पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जिसकी मदद से आप आसानी से अपने नोट्स को फाइल्स ऐप में सेव कर पाए या फिर एक्सपोर्ट कर पाए। तो दोस्तों, उसके लिए एक सिंपल तरीका है जो कि मैं आपको बता दूं, आप इसकी मदद से आसानी से अपने किसी भी नोट्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे या फिर सेव कर पाएंगे अपने फाइल्स ऐप में या फिर जहां पर भी आप चाहें, जिस डॉक्यूमेंट्स में चाहें या फिर जिस एप्लीकेशन में चाहें शेयर करना वो भी कर पाएंगे। तो जैसे दोस्तों, अगर आप शेयर पे टैप करेंगे, शेयर पे टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं एप्लीकेशंस के जिसकी मदद से आप अपने नोट्स को शेयर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पे आपको कोलैबोरेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है कि इस पे टैप करके यहां से सेंड अ कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे आप करेंगे सेंड अ कॉपी तो आप किसी को भी अगर मैसेज के थ्रू, मेल्स के थ्रू या फिर कोई भी एप्लीकेशंस में आप व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू अगर शेयर करेंगे तो अगले के पास एक कॉपी चला जाएगा। साथ ही साथ सेंड अ कॉपी का जो ऑप्शन आपको दिखेगा वहां पे आपको सिलेक्ट करने के बाद यहां पे कर देना सेव टू फाइल्स का ऑप्शन सिलेक्ट। और जैसे ही सेव टू फाइल्स का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, आपका ये जो टेक्स्ट है या फिर मतलब जो नोट्स है वो यहां फाइल सेट में सेव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पे टेक्स्ट नाम रख देता हूं इसका, अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसका नेम भी। और उसके बाद यहां पे सेव पे टैप कर दीजिए। अगर आप अब फाइल्स ऐप को ओपन करेंगे तो फाइल्स ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहां पे वो जो नोट्स है वो देखने को मिल जाएगा जो कि अभी हमने टेक्स्ट नाम से यहां पे एक्सपोर्ट किया हुआ था कुछ इस तरह से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये शेयर करने का ऑप्शन, जैसे आप शेयर कर रहे हैं और ये आपको यहां पे सेंड अ कॉपी का ऑप्शन आपके फोन में नहीं दिख रहा है, आप यहां से नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं सेंड अ कॉपी का ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेट का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐसे में अगर सेव टू फाइल्स का ऑप्शन आप ढूंढने के आपको यहां पे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि प्रिंट आप सिलेक्ट कर लीजिए और अपने इस नोट्स को प्रिंट करने की कोशिश करिए। लेकिन हम यहां प्रिंट नहीं करना है, सिंपली जब ऐसे आ जाए तो यहां पे ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां से शेयर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप देखेंगे यहां पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रिंट पे जाना है, उसके बाद फिर से शेयर सिलेक्ट करिए और उसके बाद फिर आपको यहां सेव टू फाइल्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इसे सिलेक्ट करिए और जैसे मैंने अभी यहां पे सेव किया हुआ था वैसे आप डिजायर्ड लोकेशन को सिलेक्ट करिए और सेव कर लीजिए। आप यहां ब्राउज पे टैप करके यहां पे लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह जैसे स्टोरेज डिवाइस पे करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आईक्लाउड में कर सकते हैं और साथ ही साथ आईफोन में कर सकते हैं। और उसके बाद सेव पे टैप कर दीजिए और आपका जो वो डॉक्यूमेंट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा फाइल्स ऐप में या फिर साथ ही साथ वो सेव भी हो जाएगा आपके फाइल्स ऐप में। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने किसी भी नोट्स को फाइल्स ऐप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वैसे अगर आप आईफोन में बिल्कुल नए हैं तो ये जो आईफोन का प्लेलिस्ट है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा।